राष्ट्रीय जनता दल जगदीशपुर प्रखंड अध्यक्ष आफताब खां और भोला खाने की प्रेस वार्ता में जगदीशपुर प्रखंड के मुख्य पार्षद मुकेश कुमार उर्फ गुड्डू के कार्य पर उठाए सवाल। आ जाए गलती मत करो। आज ये प्रेस वार्ता किस लिए रखा गया, पहले ये बताइए। आज ये प्रेस वार्ता हम इसलिए रखे हैं कि हमारे माननीय विधायक जी पर यहाँ का नगर अध्यक्ष मुकेश उर्फ गुड्डू जी आरोप लगा रहे हैं झूठा कि माननीय विधायक जी को, हमारी पत्नी जब थी यहाँ पर अध्यक्ष नगर पंचायत के, तो विधायक जी माननीय विधायक जी धमकी देकर 5 लाख रुपया मांगने का लेने के काम किए। ये सरासर गलत निर्धार है, चुनावी मुद्दा ही बना रहे अपने मंत्री के फेवर में। और मैं इनसे पूछना चाहते हैं नगर अध्यक्ष मुकेश जी से कि 3 बरस लगभग हो गया आपकी पत्नी के कुर्सी छोड़ा हुआ, इनको आज याद पड़ा है कि माननीय विधायक जी 5 लाख रुपया लिए हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि धमकी दे के विधायक जी लिए कि इनकी पत्नी किस मुद्दा पर धमकी पर डर गई कि 5 लाख रुपया माने विधायक जी को पहुंचा दिया गया, क्या घोटाला हुआ था, कहां भ्रष्टाचारी नगर पंचायत में हुआ था, आखिर 5 लाख रुपया जो इनकी पत्नी दीन तो कहां का पैसा दीन, क्या कोई योजना का पैसा था या अपना पर्सनल घर का पैसा दीन है, कैसा पैसा था। लिखित जो धमकी दिया गया था ये उनको जनता के बीच में सामने लाना चाहिए था कि हमारे देखिए माननीय विधायक ये चिट्ठी के माध्यम से धमकी देकर पैसा हमारे पत्नी से लिया गया है, 3 बरस पहले लिया गया, आज आपको याद पड़ रहा है, आप ही चेयरमैन अध्यक्ष हैं, 3 बरस हो गया लगभग, आज आप कह रहे हैं माननीय विधायक जी पैसा मांगे हैं, कहाँ पैसा मांगे हैं भाई, कब मांगे हैं, किससे मांगे हैं, आप कह रहे सरकारी। तो क्या ये बयान जो उन्होंने दिया वो क्या है? ये सरासर गलत है, चुनावी मुद्दा है, मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा को आदमी है, एजेंट है, यहाँ एजेंट के रूप में काम करता है। कई गंभीर और भी आरोप लगाए उन्होंने, कहा कि एक मीटर जुड़वाने का काम नहीं किया है विधायक। देखिए मीटर ऐसी बात नहीं है, हमारे माननीय विधायक जी कोरोना के लेकर हमारे नगर में योजना डाला गया है, अभी देखिए अभी योजना हमारा अलाउ हो जाता, लेकिन 31 जुलाई तक जो लॉकडाउन लग गया उसमें कठिनाई हुआ, हमारे योजना काम 4-4, 5-5 समुदाय भवन दिया गया था, लेकिन कुछ कठिनाई के कारण से वो समुदाय भवन नहीं हो पाया। सर अब चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो बयानबाजी चल रहा है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता, जनता का हित कहाँ जाएगा सर ऐसे में? देखिए जनता हमारी समझदार है, हमारे माननीय विधायक जी का रिकॉर्ड है 5 साल होने वाला है, कोई भी कर्जा ले BDO CEO SDO CGPO FCI हो या कोई भी विभाग हो, कोई कह दे कि 5,000 रुपया कोई चांदा दिया हो कमीशन को गोली मार दीजिए, हम लोग इतना माननीय विधायक जी कार्यकर्ता सम्मेलन किए या बहुत सी कार्यक्रम हम लोग किए, कोई 5,000 चांदा बता दे तो मैं कहता हूँ माननीय विधायक जी के साथ हम छोड़ेंगे और मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही। तो अब क्या आप लोग आगे की कार्रवाई करेंगे जिस तरीके से बयानबाजी चल रहा है? ये बयानबाजी हम इसको निराधार बता रहे हैं और ये राजनीतिक मुद्दा है, हम लोग माननीय विधायक जी ये नगर पंचायत जो घोटाला हुआ है लूट का एक अड्डा बन गया है, बना हुआ रोड अभी बाजार में नाली बन रहा है, रोड के दोनों तरफ इंस्टॉलिंग 2 साल पहले हुआ था, इसी नगर विकास नगर पंचायत की तरफ से गुड्डू जी करवाए थे, अब फिर 2 साल के बाद इसको पक्कीकरण, एक नाली दो दो को योजना बनाकर नाली में काम किया जाता है, बना हुआ रोड साल भर पहले साल भर बाद फिर उसी रोड को बनाया जाता है, बहुत सी जांच किया जाए तो कागज पर बहुत सी काम हो गया है, नजर रोड पर नहीं है, कुछ ऐसा ही धांधली करते हैं, टेंडर योजना होता है पहले काम करवा देता है अब बाद में टेंडर दिखा देता है कि हम टेंडर करवा लिए, उसी के लेकर माननीय विधायक विधानसभा से लेकर मुख्य सचिव तक इनके विरोध में लिखने का काम किए हैं, इसमें तिल मिलाकर हमारे माननीय विधायक पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। वो तो कसम खाने की बात कर रहे हैं कि मंदिर पर आके भगवान के सामने कसम खा ले या तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे या विधायक तो बात हम कर रहे हैं भैया, ठीक है दिए हैं आप तो किस दबाव में दिए आप तो बताएं, क्या मुद्दा था दबाव में, कहां भ्रष्टाचारी आप चोरी किए थे, आपके मैडम कहां चोरी की थी, कहां घोटाले में फंसी थी कि पैरवी करने के लिए आप 5 लाख रुपया दे दिए, क्यों दिए आप 5 लाख रुपया, घूस देना लेना दोनों अपराध है, अपराध में FIR होना चाहिए, आप जनता के पैसा 5 लाख रुपया क्यों दिए, 5 लाख रुपया देने का मकसद है कहीं ना कहीं आपका अपराधी चरित्र है, आपने कहीं घोटाला किया हो नगर पंचायत में, माननीय विधायक जी पकड़े होंगे आपने दिया होगा, इस तरह संक्रमण बढ़ते जा रहा है लेकिन विधायक जी अभी तक देखने तक नहीं आ रहे, कौन कह रहा है ऐसा आरोप लग रहा, कौन कह रहा है, ये गुड्डू जी का आरोप है, हमारे माननीय जहां जहां सेंटर खुला लोगों के जाने का काम किए, संपर्क करने काम किए, लोगों को जो बाहर फंसे हुए थे हमारे विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को उन्होंने बुलवाने के काम किया, रोडों पर चलते हुए राही को पैसा से मदद करना, बिस्कुट से मदद करना, खाना खिलाकर मदद करना, कहा नहीं किया विधायक जी हमारा, कौन कह रहा है भाई बात, कोरोना से गुड्डू मजाक कर रहे, अभी कौन से विकास कार्य के लिए अभी अग्रसर है पार्टी के नेता जो विधायक यहाँ का स्थानीय है,
क्या अभी कुछ और प्लान है कोरोना को लेकर, जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है बिहार राज्य में लगातार आपके नेता प्रतिपक्ष? कोरोना के लेकर माननीय विधायक जी अपने फंड से 50 लाख रुपए भी सरकार के घर में देने का काम किए। जो हमारा विधायक का फंड है, जो हमारे विधायक अपने स्तर से गरीबों के काम किए, जो कोरोना से वंचित अति थे उनसे मिले, अनाज दिए, चाव डाल भी बांटे, सब लोग बांटे, ऐसी बात थोड़े है। कोरोना वाले से जहां जहां सेंटर वहां जा जाकर मिले, जहां कमी था सेंटर खुलवाने के काम किए, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि नगर में नहीं है, नगर में जहां जहां सेंटर था। माननीय विधायक एक सीट नगर नहीं है ना, पूरा विधानसभा देखना है। तो अभी फिलहाल जो आपके क्षेत्र में किस तरीके से किया जाए, क्योंकि संक्रमण तो बहुत तेजी से फैल रहा है, उसके बचाव के लिए कुछ इस तरीके से जागरूकता अभियान या कोई भी कार्य? हमारे माननीय विधायक जी जागरूकता कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जांच के लिए किट जो है उसको लाइए, उसको जांच किया जाए, कोरोना का किया जाए, व्यवस्था किया जाए, बढ़िया से व्यवस्था किया जाए। सरकार ही जब नहीं व्यवस्था कर रहा है सर, तो हमारे माननीय विधायक जी क्या कर पाएंगे? माननीय विधायक जी अपने स्तर से जो भी हो रहा है करने के लिए तैयार है, करते हैं, कभी भी करते रहेंगे। हमेशा जनता के बीच में रहने वाला भी ऐसा विधायक हम भी रह चुके हैं, आज से राजनीति में 90 से पहला हम विधायक देखे कि जनता के बीच में रहने वाले ऐसा विधायक कभी पार्टी पुआ नहीं देखे हैं। किसी या दुख सुख में जाने में कभी पार्टी पुआ जात नहीं देखते हैं, किसी का दल का हो, किसी जाति का हो, उसे दरवाजा। माननीय विधायक रामकिशन सिंह उफ लोहिया जी पहुंचने का काम करते हैं, यही एक ऐसे विधायक। फर्जी निविदा निकाल करके यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया की राशि मतलब कि नगर पंचायत में गबन किया गया है, लूटपाट किया। यही तो बात है कि माननीय विधायक जी विधानसभा से लेकर मुख्य सचिव तक लिखित देने के काम किए हैं, यहाँ गुडू का जो है तिमिला गए हैं, कैसा ना कि हम जेल जाए। आप सुन लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल इसके विरोध में धरना भी देने की जरूरत पड़ेगा देगा, और गुडू को जेल जाना है घोटाला में। इनके वार्ड पार्षद आपको बता दे रंजीत राज है, उनको हमेशा निलंबित कर देते हैं आवाज उठाता है तो, वो भी गुड्डू पर, इनके पूर्व पत्नी जो चेयरमैन थी उन पर भी हाई कोर्ट में केस करने का। अभी जो नगर पंचायत में कार्य चल रहा है उसका निविदा मतलब कि निकाला गया है, लॉकडाउन में निविदा निकाल करके अभी किला पर सामने में जो काम चल रहा है उसका मतलब कि टेंडर खुलना है 25 को, पहले से काम कैसे लग गया? दो दो योजना खुला है, ये बोले है कि नाली का एक योजना खोल दिया गया था पहले ही, पैसा निकल गया। एक यहाँ पान वाला है, उसका विद्यासागर नाम है, उसके लाइसेंस के नाम पर पैसा निकाल दिया गया, आई दूसरा योजना खोलकर फिर काम करवाया जा रहा है। ऐसा बहुत सी मिलेगा आपका नगर पंचायत में योजना कि खुल गया योजना, काम हो गया, पैसा निकल गया, कागज पर काम हो गया, पैसा खत्म हो गया, बाद में जो कंप्लेन हुआ, जांच हुआ, हाल ही रात रात ही काम। मुकेश कुमार गुड्डू का कहना है कि हम नगर पंचायत के लिए काफी विकास किए हैं, जगदीशपुर के लिए काफी विकास किए हैं, आप भी नगर से आते हैं क्या? जनता के विकास नहीं कर रहे, जनता के पैसा का बंटवाट कर रहे, विनाश कर रहे, पैसा लुटवा रहे हैं। सरकार के पैसा इसे मत लुटवाइए, भी 6 महीना पहले साल भर पहले रोड बनवाते हैं, फिर उसी को रोड बनवाते हैं, नाली एक नाली तीन तीन बार बनवाते हैं, एक तालाब को दो दो बार चाचा उड़ा करवाते हैं, कहाँ विकास है जी? अभी आप कलबला पर ईदगाह है, 5 साल हो गया, लगभग 5 साल होने वाला है, काम करवा रहे हैं, कहाँ से काम करवा रहे भाई? अभी तक कोई विवाह मंडप है, माननीय विधायक जी कंप्लेन किए थे, कागज पर हो गया था, बन गया था, जब उन्होंने जब विधानसभा मुख्य सचिव के पास लिखे तब इन्होंने पैसा रिटर्न करने के काम किया। सब ठीक ना, कितना आपको बताया जाए, बताने में बहुत समय लगेगा, इतना घोटाला है, चरम पर घोटाला है, समझ लीजिए। गुड्डू जी नगर पंचायत को सिर्फ दिखा रहे, रोड नाली बना रहे, गुड्डू जी नगर पंचायत को बेच दिए, सरकार को पैसा का बंटवाट कर दिया है। ये एक एजेंट के रूप में हम नाम था बताने में हमें तो हिचक नहीं है, सिर्फ भगवान सिंह कुशवाहा पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री का एजेंट के रूप में काम करते हैं। कहते हैं कि जगदीशपुर की जनता विधायक सिर्फ भगवान सिंह को विधायक मानते हैं, जगदीशपुर की जनता कबो दल बदलू को पसंद नहीं करने वाला है, हमारे जगदीशपुर की जनता दल बदलू के साथ कबो नहीं रहेगा। और गुड्डू जो कह रहे हैं कि जगदीशपुर की जनता एक भी विरोध कर हम इस्तीफा दे देंगे, उनसे बुलाइए मीडिया के सामने, हम बात करते हैं, और उनके विरोध में अगर 60% जनता को नहीं हम उतरवा दिए तो मेरा नाम भोला खान है। नहीं तो उनको तो मतलब कि चैलेंज भी किया जा रहा है, गुड्डू को मतलब कि मीडिया की तरफ से भी चैलेंज किया जा रहा है कि आप मतलब कि दर्शक के सामने आइए, आइए दर्शक के सामने आइए, क्षेत्रवासियों के सामने आइए और डिबेट कीजिए। तो वो तो विधायक जी का भी जो कोटा है सीमित कर दिया है सरकार, समुदाय भवन बनाना है, स्कूल बनाना है, विकास में तो प्रतिबंध लग गया है। जो डोडा के पैसा विधायक का अनुशंसा, इसे पूर्व के विधायक जो भाई दिनेश थे, डोडा के पैसा का इस्तेमाल होता था, अब डोडा का पैसा सीधा नगर पंचायत में आता है। भाई करोड़ों करोड़ रुपया नगर पंचायत माता है, तो आप नहीं विकास कीजिए तो कौन करेगा? चलिए ठीक।